तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में 2023 में 100% आएगा। अगर दोस्तों आप लोग बोर्ड पेपर में 70 नंबर पक्का करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं ऐसे मॉडल पेपर को लाया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। क्योंकि दोस्तों जो आपका है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो आपको समय दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इसमें निर्देश दिया गया है, निर्देश उसके बाद देखिए, अब देखिए जो आपका एग्जाम होने वाला पार्ट ए पहले दिया जाएगा। पार्ट ए में क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पार्ट ए में देखिए आपको इस तरह का एक पैसेज दिया जाएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, यहाँ पर लिखा गया है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए आपको इस तरह का एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में से आपको क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पैसेज रहेगा और पैसेज दिया रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू स्ट्रीम्स आर एलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो, वी डू नॉट सी देम नोर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट इधर ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस, वन मैन डज नॉट रेसिस्ट बिकॉज ही इज वीक लेजी एंड कैन नॉट, द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेसिस्टेबल ब्लो इफ ही लाइक्स एट, नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमाइज द वीक टू हु, सो नॉन रेसिस्टेंस इज ऑपरेस्ड व्हाइल द स्ट्रेंजर वन कॉमिट्स ए सिन इफ ही ऑफर्स रेसिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों आपका पैसेज था, अब पैसेज में आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है पैसेज का, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। अब देखिए देखिए साउंड, यहाँ पर साउंड कहाँ पर देखिए, सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट व्हेन। देखिए जब साउंड जो होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए साउंड जब स्लो रहेगा, इट इज ए टू स्लो और इट इज ए हाई, तो क्या रहेगा, स्लो रहेगा तब भी नहीं सुनाई देगा और हाई रहेगा तब भी नहीं सुनाई देगा। तो यानी बोथ ए एंड बी, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी देखिए बी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, यानी साउंड जो जो अगर धीमी रहेगा तब भी सुनाई नहीं देगा और हाई रहेगा तब भी नहीं सुनाई देगा, यानी बोथ ए एंड बी यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया, देखिए डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, द टू स्ट्रीम्स आर एलाइक मीन्स। अब देखिए ऑप्शन ए है कहा आपका, स्ट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन स्ट्रीम निगेटिव, एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिटुएशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एवव, तो बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा। जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा बी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अब देखिए अपोजिट यहाँ पर पूछा है ऑफ स्लो, यहाँ पर देखिए रिसिस्ट रैपिड लेजी स्ट्राइक, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा तीसरे के राइट आंसर के, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा रैपिड, ये आपका रैपिड क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोबिंग। अब देखिए आई देयर विथ माई पेरेंट्स, अब देखिए विल गो वेंट
हैड गॉन। अब देखिए यहाँ पर पेरेंट्स है, माय पेरेंट्स यानी माता पिता, तो देखिए आल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी इसका क्या हो जाएगा, चौथे का आपका हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर आल यानी आई हैड गॉन का भी कर सकते हैं प्रयोग, बेंट का भी कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अब देखिए क्वेश्चंस कंसीसिस केयरलेस, उसके बाद ये क्यूरियस, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, पांचवे का क्या हो जाएगा, तो पांचवे का आपका हो जाएगा क्यूरियस, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अब देखिए छठवां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर भी, अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया है रिरेंज द फ्लोविंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए लव्स माय टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, अब देखिए ऑप्शन क्या है, माय टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, उसके बाद है ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माय शेयर, माय ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज टू शेयर माय ब्रदर हिज टॉयज लव्स, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या, इसमें का राइट आंसर क्या होगा, छठवें का हो जाएगा आपका डिएशन माय ब्रदर लव्स, यानी ये आपका लव्स जो रहेगा राइट हो जाएगा, लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोविंग वर्ड इज मिसप्लेड। अब देखिए इसमें क्या करें, अपोंडेंस अटेंडेंस एक्सेप्टेंस, उसके बाद देखिए एक्यूटेंस, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इस सातवें हो जाएगा तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जहाँ पर ई है यहाँ पर ए रहना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, ही जंपेड द वेल टू सेव द ड्रोविंग गर्ल इन इंटू फ्रॉम एट। अब बताइए क्या हो जाएगा, जंपिंग जंपेड, तो बताइए आठवें का क्या हो जाएगा, तो आठवें का आपका हो जाएगा बी, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर इनटू रहेगा, क्या इनटू रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें भी आपको क्या दिया गया, एक पैराग्राफ दिया गया, क्या एक पैराग्राफ दिया गया है, नौवें और दसवें क्वेश्चन से स्टार्ट है। देखिए पैराग्राफ क्या है आपका, आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग्स हु वेयर बिटवीन टू डेथ बाई द फादर, उसके बाद बिकॉज दे क्यूकिड टू मच ल्यूकली मिस्टर किसिंग टू टू के द जोक द राइट वे ही रीड द पोयम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल सिंस देन, उसके बाद आई हैव बीन अलाउड टू टॉक हैव नॉट असिस्टेंट एंड एनी, उसके बाद एक्स्ट्रा होमवर्क, तो बताइए अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें आपको पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए अच्छे से, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप किया है, यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन एनी पोयम द डार्कलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइज, इसमें देखिए चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स एनी एंड मिस्टर किसिंग एनी एंड नेवरर्स, उसके बाद देखिए क्लास एंड स्कूल, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दसवां क्वेश्चन है, मिस्टर किसिंग हैड असिजनेड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड हर एनी वॉज पुअर इन मैथ एनी हैड मिस बिहेव्ड विथ हिम एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एनी जो तो क्या थी वो क्लास में बातें करती थी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चन। अब देखिए मंडेला प्रसाद ईयर्स इन जेल 20 ईयर्स 30 ईयर 30 29, तो बता दे रहा हूँ जो मंडेला प्रसाद थे वो 27 ईयर्स जेल में थे, हो गया। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, महासिर इज ए फाउंड इन कूर्ज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश ए स्मॉल फ्रेश वाटर
क्रिएचर, उसके बाद देखिए ए स्मॉल ब्रेकफास्ट है, ब्रेकिश वाटर फिश, उसके बाद देखिए डी ऑप्शन है आपका ए लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रिएचर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन का आपका हो जाएगा ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट सारे के सारे आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोर्ड पेपर में 90 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना और बोर्ड पेपर में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जान लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द बस कंडक्टर वाज ए मैन, यहाँ पर देखिए रोड जोली सेल्फिश स्ट्रेंज, तो जो बस कंडक्टर वाज क्या था वो आपका क्या हो जाएगा, तिराक ऑप्शन तिराक हो जाएगा आपका जोली, ये आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जोली। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब दिया गया क्या क्या आपको देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, उसके बाद स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, अमंडा हर पेरेंट्स हर फ्रेंड्स हर नेबर्स, तो बताइए क्या अमंडा की माता पिता की फ्रेंड्स की पड़ोसी, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, 14वें का ऑप्शन हो जाएगा हर्स हर पेरेंट्स, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज अमंडा इज एन अनरूली गर्ल, अमंडा रिमेन अनटिडी, उसके बाद हो गया आपका इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर ही वांट टू स्कोल्ड अमंडा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, इसको याद रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इट वाज, उसके बाद देखिए इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यहाँ पर मिस्टर पम्फर डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रिकी बैक, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, इसके बाद ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, उसके बाद मिस्टर पम्फरी सेंट ए लॉट ऑफ इटिवल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, 16वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर पम्फरी सेंट ए लॉट ऑफ इटिवल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन है, अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक एंड राइट, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट कुक एंड ऐड नंबर्स, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा आपका कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 18वां, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, टू द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, उसके बाद देखिए बी ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च यक्स, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, 18वें का क्या हो जाएगा, 18वें का आपका हो जाएगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च यक्स। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोबिंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल, उसके बाद फैशनेबल एम्बिनेशन मिडिल क्लास, एम्बिनेशन मिडिल क्लास सेटिस्फाइड रिच उसके बाद के डिस्टिस्फाइड, उसके बाद अम्बिशंस, बताइए क्या हो जाएगा, 1900 क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा आपका रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल, इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 20 क्वेश्चन है। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि हर फादर फेल्ट कंप्लेट टू डू सो, उसको हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरी बॉडी इज सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, उसके बाद इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, इट वाज वह चाहती थी कि उसकी जल्दी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए जो आपका आ गया, मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू थे, मैंने उसको करवा दिए। अब देखिए जो आपको पार्ट बी है, अब पार्ट बी आ गया दोस्तों। अब देखिए इसमें भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए रीड द फ्लोविंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आपको पैसेज दिया जाएगा और क्वेश्चन भी दिया जाएगा और उसका आंसर भी लिखना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज द सिटी स्टेट्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाट इम्प्रेस अस टू मोस्ट इट इट्स साइज एंड मैग्निफिसेंस। अब देखिए इस तरह का आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाए, कितने क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए होम डज द स्टेट्यू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद रिप्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पर भी आप यहाँ से क्वेश्चन भी आप पुट अप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ पर दिया गया है देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, स्टेट्यू ऑफ लिबर्टी, अब यहाँ से आप चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, इतना थोड़ा सा आप इधर उधर कर देंगे आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। अब देखिए इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखिए आपका चार क्वेश्चन है, कितने नंबर का, दो दो नंबर का है दोस्तों। अब देखिए अब राइटिंग आ गया, राइटिंग में क्या है यहाँ पर देखिए, राइटिंग में भी आपको क्या दिखे, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम टू होम। अब देखिए तुम अपने बड़े भाई को इसमें लेटर बोला है लिखने के लिए, अथवा करके दिया है, चार नंबर का है, आप इसको भी कर सकते हैं। राइट ए एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बींग क्लीनड रेगुलरली। अब देखिए इसमें अब दूसरा आपको क्या दिया गया है लेटर लिखने के लिए, राइटिंग जो दिया गया है इसमें आपको प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको कंप्लेन करना है आपको वाटर टैंक स्कूल का जो आपका है बींग क्लियर साफ नहीं रहता रेगुलर, इसका आप चाहे लिख सकते हैं कितने नंबर का, चार नंबर का दोस्तों, आप राइटिंग अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सीबिशन इन योर स्कूल अबाउट 60-80 वर्ड्स, लिखना है कितने नंबर का, छः नंबर का है दोस्तों। ए राइट ए रिपोर्ट है आपको लिखना है, हिंट से देखिए दिया गया है यहाँ पर, देखिए हिंट से आप चीज़ इसको आप देख लेंगे। अब देखिए अथवा करके दिया वही चीज़ आप चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रामर से रिलेटेड आ गया है यहाँ पर, देखिए ग्रामर से रिलेटेड आ गया। पहला है री राइट द फ्लोविंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, किरण सेड टू हर मदर प्लीज आलो मी टू प्ले। अब देखिए चेंज द फ्लोविंग इनटू पैसेज वाइस, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चेंज करना है पैसेज वाइस में। तो दोस्तों अब देखिए आई नो योर वेरी वेल, उसके बाद देखिए सी है पंचुएट द फ्लोविंग, यहाँ देखिए द गार्डन सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लोवर्स, उसके बाद डी ऑप्शन है ट्रांसलेट द फ्लोविंग इनटू इंग्लिश। अब देखिए चार नंबर का दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, इसको आपको ट्रांसलेशन करना है, कितने नंबर का है, चार नंबर का है। अब ट्रांसलेशन आपको आता ही होगा, इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिए अगला क्या है आपका, देखिए लिटरेचर आपका आपका आ गया है यहाँ पर, देखिए पांचवा आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड ईच। अब देखिए मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रीड द आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, अथवा करके दिया चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग देख लेंगे और तैयार भी कर लेंगे, आपके बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अथवा करके दिया है, वाई वाज लेंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब देखिए आप लेंचो वाला चैप्टर पढ़े होंगे, बहुत ही है अच्छा चैप्टर है, वहाँ से आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन तो बनेंगे, मैंने उसको तैयार कर लेना। अब देखिए छठवां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोविंग इन अबाउट 60 वर्ड में लिखना है। देखिए व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ये भी कितने नंबर का, चार नंबर का है। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन है हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज द एज एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन टू जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड।
अथवा करके दिया जाए, इसको कर लीजिए चाहे आप इसको कर लीजिए, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका 8वां क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट द सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया भी लिखने के लिए आता है, कितने नंबर का, 3 नंबर का आता है। फ्लोबिंग पोएम्स देखिए इन 40 से 50 वर्ड में लिखे, फायर एंड आईसी, उसके बाद द ट्रीज, उसके बाद एनिमल्स, तीनों में से आप एक लिख देंगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे, सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है, इसको जान लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोबिंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड है। ये है देखिए यहाँ पर क्या, पहला व्हाट डिड द डॉक्टर टू द क्योर ट्रिकी, कितने नंबर का है, उसके देखिए 4 नंबर का है। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट, अब दो में से आपको एक करना है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। देखिए एक क्वेश्चन बोला है करने के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए 10वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोबिंग इन अबाउट 60 वर्ड, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ Matilda had not lost of necklace। अब देखिए बी ऑप्शन है, suppose you are holy and now you are a teacher, write about your family, your childhood and your, उसके बाद देखिए present life। अब देखिए इसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपको एक ही क्वेश्चन करना है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, और मैंने सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करवा दिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन थे आप उसको तैयार कर लीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराया जा रहा है, आप यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।